नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक लंबे समय से अपनी नियुक्ति के इंतजार में थे। 5 अक्टूबर को चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की अंतिम चयन सूची जारी हुई, जिसमें 12,000 लगभग चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश मिले। अभी लगभग 18,000 शिक्षक अपनी नियुक्ति के इंतजार में हैं, पर जो चयनित शिक्षकों की अंतिम चयन सूची जारी हुई थी उसमें कई सारी विसंगतियां पाई गई थी। अनरिजर्व कैटेगरी में रिजर्व चयनितों को नियुक्ति दे दी गई थी, उसके बाद अनरिजर्व चयनित शिक्षकों में रोष देखा गया था। द लोक नीति ने लगातार चयनित शिक्षकों की समस्या को समझते हुए चयनित शिक्षकों की मांग को शेष तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया, जिसके बाद अब चयनित शिक्षकों की संशोधित सूची जारी कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की जो चयन सूची जारी की थी उसमें संशोधन कर दिया है। विभाग ने यूआर ओपन की सीट कम रैंक वाले रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आवंटित कर दी थी। जैसा सभी को पता है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने 12,043 पदों पर अंतिम चयन सूची जारी की थी, जिसमें बहुत सारी यूआर ओपन की सीटों पर रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली थी, पर अब इस लिस्ट में संशोधन किया गया है। संशोधन से चयनित शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल देखा गया, पर अभी भी सवाल यह खड़ा होता है कि ट्राइबल विभाग ट्राइबल चयनित शिक्षकों के बारे में कब विचार करेगा। ट्राइबल अभ्यर्थी परेशान है, डीपीआई ने नियुक्ति शुरू कर दी है पर ट्राइबल ने अभी तक नियुक्ति शुरू नहीं की। लोक नीति ने जब भी ट्राइबल विभाग से जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो फिलहाल यही जवाब मिला है कि जल्द ही नियुक्ति होगी, पर यह जल्द कब आएगा कुछ भी पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एलाइड सब्जेक्ट के अभ्यर्थी परेशान हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि इनके बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक सह विषयों के अभ्यर्थियों को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभाओं में कहते हैं कि उन्होंने 30,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति दी है, पर हकीकत यह है कि सिर्फ 12,043 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जबकि लगभग 18,000 चयनित शिक्षक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पर द लोक नीति ने ठाना है कि जब तक इन सभी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। चयनित शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहेंगे। आशा है कि सभी चयनित शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए द लोक नीति।